आज हम बात कर रहे हैं एक स्टोरी की, जिससे आपको लाइफ के लिए एक इंस्पिरेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल विचार होते हैं ना, वो मिलेंगे। तो चलिए इसी स्टोरी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये है कि दर्पण में देखिए, यानी दर्पण में खुद को देखिए। इसी पर आपको आगे स्टोरी देखने को मिलेगी। एक दिन एक कार्यालय यानी एक कंपनी टाइप में बहुत सारे कर्मचारी थे और वो काम करने के लिए सुबह सुबह वहाँ पहुँचे थे। पहुँचते ही उन्होंने देखा कि उस दरवाजे पे, मतलब जो एंटर करा होगा उस दरवाजे पे लिखा हुआ था एक बड़ी सलाह, जिस पर यह लिखा गया था, कल वह व्यक्ति जिसने आपके विकास में बाधा डाल रखी है उसका निधन हो जाएगा। कंपनी में लिखा था कि कल आप जो हमारी कंपनी के लिए जिम तैयार किया गया है, वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए एक कमरा भी है, वहाँ पर हम आपको आने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्टार्टिंग में तो सब अपने, मतलब साथी के निधन होने पर बहुत दुखी थे कि पता नहीं किसकी मृत्यु हो गई है। सब कोशिश कर रहे थे छानबीन करने की कि हम लोग में से कौन है जो हमें इतना परेशान करता था, हमारे काम में बाधा डालता था, जिसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे वहाँ पे, तो कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब वो जानने के लिए जब जैसे उनकी उससे एक्साइटमेंट बढ़ने लगी कि आखिर है कौन ये जो हमारे साथ था और मतलब कंपनी के विकास में बाधा भी डालता था और उसकी मृत्यु हो गई है, वो कौन है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब वहाँ अंतिम संस्कार वाले जिम में, रूम में ही जाकर देखेंगे। और मतलब बिलीव करेंगे आप कि वहाँ पर उस इंसान को देखने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भीड़ को नियंत्रित करने के आदेश देने पड़े और वहाँ पर कुछ लोगों को, एजेंटों को खड़ा करना पड़ा, जो सिक्योरिटी एजेंट होते हैं उनको खड़ा करना पड़ा, जिससे कि वो हैंडल कर पाए उस भीड़ को। ताबूत में जितने ज़्यादा लोग आएंगे उनका उत्साह तप जाएगा, सभी ने सोचा कि मतलब आखिर कमरे में जितने ज़्यादा लोग जाएंगे वहाँ पे उनको सबको, मतलब अपने उत्साह के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि आखिर वह है कौन, कि ये कौन व्यक्ति है जो हमारी प्रगति में बाधा डालता था और जिसकी मृत्यु हो गई है। सब लोग मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा वो डर भी लग रहा था कि वो मर गया है यार, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सोच भी रहे थे कि कौन है वो। तो रोमांचित कर्मचारी एक एक करके ताबूत करीब पहुँच गए, मतलब कर्मचारी जो थे वो ताबूत लेकर आ गए जो जिसमें दफनाया जाता है, है ना। तो इसके लिए वो ताबूत लेकर आए और सब उसके पास, उन लोगों के पास पहुंच गए। और जब वे उसमें झांक रहे थे तो अचानक देखकर वो शॉक्ड हो गए, सबकी की पता नहीं क्या देखा उन्होंने अंदर। खड़े खड़े ताबूत के निकट खड़े रहे और एकदम स्तब्ध, यानी एकदम शॉकिंग पोजिशन में खड़े हो गए, मानो किसी ने अपनी आत्मा के गहनतम हिस्से को छू लिया। ताबूत के अंदर एक दर्पण था, जो मतलब खुद को देख रहा था, जो देख रहा था वो अंदर जाके खुद को ही देख रहा था उस दर्पण में। वो एक बार देख के हैरान हो रहा था कि ये है क्या, मतलब ऐसा क्यों हुआ, सब समझ नहीं आया था। आईने के सामने एक संकेत भी था जिसमें लिखा गया था, केवल एक ही व्यक्ति है जो आपके विकास की सीमा निर्धारित करने में सक्षम है और वह तुम खुद हो। आप केवल एक ही व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपकी खुशी, आपकी प्राप्ति, आपकी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप केवल एक ही व्यक्ति हैं जो स्वयं की मदद कर सकते हैं। और जब आपका बॉस बदलता है, यानी बॉस होते हैं ना कंपनी में, वो बदलते हैं, तब आपका जीवन बदलता नहीं है। मतलब कि कंपनी में जैसे लोग होते हैं ना, वो डेली यही सोचते हैं कि मतलब अब हमारा बॉस बदल जाएगा तो हमारी सारे रूल्स, रेगुलेशन और बहुत कुछ, और हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो लोगों को ब्लेम मत कीजिए कि वो उसमें ये कमी है, इसकी जगह दूसरा इंसान आएगा तो वो अच्छा करेगा, या वो बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, या वो अच्छा था वो उसने बुरा किया, ऐसा समझ सोचिए। ये चीज़ सोचिए कि आप अपने आप को कैसे कामयाबी की राह पर ले जा सकते हैं। आप अपने आप को देखिए, दूसरों को नहीं। जब आपके फ्रेंड्स बदलते हैं, आपके पार्टनर्स चेंज होते हैं, आपकी कंपनी चेंज होती है, तब आप खुद चेंज हो जाते हैं। पर उसके बाद आप एक सोचते हैं कि अब एक लिमिट होती है, एक लिमिट में रहें, पर कोई भी लिमिट आपके लिए नहीं है।
आप अनलिमिटेड चीज़ों में बिलीव कीजिए, लेकिन उस वक्त आप बिलीव करते हैं कि बस इतने लिमिट में ये चीज़ होनी चाहिए, इतने में ये होनी चाहिए। तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ को जी रहे हैं। तो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपकी रिलेशनशिप में, कि आप खुद अपने मर्जी से, मतलब खुद हैं, अपने आत्मसंतोष से हैं आप वहाँ पर। ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज अ यू कैन हैव विद योर सेल्फ। मतलब कि आप अपने रिलेशनशिप में हैं तो, पर आप अपनी अंतर आत्मा के साथ वहाँ हैं, ये होना ज़रूरी है। तो मॉरल क्या है कि जो ये संसार है वो एक आईने की तरह, एक दर्पण की तरह है, तो इसकी रिफ्लेक्शन वापस मुड़कर आपको दिखाएगी। ये संसार का रूल है, कहते हैं ना कि हम जिसके साथ जैसा करते हैं फिर वैसा हो जाता है। तो यही वो चीज़ है, संसार की वो रियलिटी जो मिरर में देखने से, जो दर्पण में देखने से, यानी उस कफिन में जो रखा दर्पण था, लोगों ने जब देखा तो अपने आप को देखकर तो वो शॉक्ड हो गए थे कि जब उन्हें समझ आया कि मरा कोई नहीं है, उसमें हमने अपनी कमज़ोरी, अपनी लिमिटलेस चीज़ों को मार दिया। तो इसलिए हमें अपने आप को इन एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहिए कि कैसे हम अपनी लाइफ में अनलिमिटेड हो सकते हैं। और अनलिमिटेड होना वैसे भी बहुत अच्छा है, ये एक्चुअली आपके लाइफ के अंतर को चेंज कर देती है, आपके रास्ते को एक अलग राह दे देती है, एक अलग रुख दे देती है।